दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जमाना चाहे कितना ही क्यों ना बदल गया हो, आज भी ज्यादातर लड़कियां लाख इच्छा होने के बाद भी पहली बार एक लड़के से कुछ भी बात कहने में और उसके साथ डीप लव करने में काफी झिझक और शर्म महसूस करती हैं। यहाँ तक कि अपनी इच्छा या मन की बात कहने की बजाय सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती हैं। दोस्तों ये भी सच है कि हैंडसम लड़कों को देखकर लड़कियों के मन में भी कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन एक लड़की के लिए एक लड़के का हैंडसम होना ही काफी नहीं होता। चलो बताते हैं कि आखिर लड़कियां लड़कों में क्या देखकर, क्या पाकर या किस खास चाहत से दिल और बिल दोनों देने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर वन, दोस्तों एक लड़की सबसे पहले एक लड़के में यह देखती है कि वे जिस लड़के की ओर आकर्षित हुई हैं या प्यार करने लगी हैं, क्या उस लड़के के साथ वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं? क्या वह लड़का उन्हें सारी खुशियां दे सकता है? क्या वह उसके लायक है भी या नहीं? यदि वे अपने आप को उस लड़के के साथ सुरक्षित महसूस करती हैं, उन्हें लगता है कि यह लड़का हमें सभी तरह की खुशियां दे सकता है, हमारे लायक है, तो उस लड़के को अपना दिल और अपना बिल दोनों ही बहुत जल्दी देने को तैयार हो जाती है। सेकंड नंबर, दोस्तों यदि एक लड़का हैंडसम है और हैंडसम होने के बावजूद भी उसमें घमंड नहीं है, रिश्तों के प्रति वफादार और ईमानदार है, सबका सम्मान करता है, काफी जिम्मेदार होने के साथ साथ काफी केयरिंग नेचर का भी है, तो ऐसे लड़कों को लड़कियां अपना दिल और बिल दोनों ही देने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। थर्ड नंबर, दोस्तों यदि एक लड़का रोमांटिक नेचर का है, काफी जेंटल होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहती है, यहाँ तक कि उसका चेहरा हमेशा खिला खिला सा बना रहता है, यानी कि ये नहीं कि उस लड़के के चेहरे पर हमेशा 12 ही बजते रहे। फोर्थ नंबर, दोस्तों लड़कियों की नजर में वो लड़के सबसे अच्छे होते हैं जो लड़के लड़कियों के दुखी होने के बावजूद भी उन्हें हंसा देने की क्षमता रखते हैं, काफी जिंदा दिल होने के साथ साथ काफी मजाकिया टाइप के भी होते हैं, यहाँ तक कि सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, सबको महत्व भी देते हैं, सबका सहयोग और सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे लड़कों के पास गर्लफ्रेंड की कोई कमी नहीं होती। एक लड़की तो क्या, उसे कई एक लड़कियां अपना दिल और बिल दोनों ही देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। फाइव नंबर, दोस्तों अब कहने को तो ये भी सच है कि जिन लड़कों का ड्रेस सेंस अच्छा होता है, जो लड़के काफी सेंसिटिव और सोशल होते हैं, यहाँ तक कि जो लड़के लड़कियों से भावनात्मक रूप से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, लड़कियों की भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, तो ऐसे लड़कों के लिए भी लड़कियां अपने बिल का दरवाजा खोलकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहती हैं। सिक्स नंबर, दोस्तों लड़कियों को अगर यह पता चल जाता है कि जिस लड़के को वे पसंद करती हैं या जिसकी ओर वे आकर्षित हुई हैं, उसके साथ उनको प्यार के साथ साथ सब कुछ मिल सकता है जो उन्हें चाहिए होता है, फिर वह चाहे तन मन और धन से जुड़ी हुई इच्छा हो सकती है। यदि एक लड़का लड़की की इस तरह की सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है तो ऐसे लड़के के लिए लड़कियां अपना दिल खोलकर स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार बनी रहती हैं। सेवन नंबर, दोस्तों जो लड़के रोमांटिक नेचर के होते हैं, साथ साथ उनकी सैलरी भी अच्छी होती है या अच्छी पोस्ट पर होते हैं या जो काफी पॉपुलर होते हैं, यहाँ तक कि एक अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं, देखने में भी गुड लुकिंग होते हैं, ऐसे लड़कों को भी लड़कियां अपना बिल देने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं। ये बात सच है कि आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं और पसंद को पूरा करने के लिए ही प्यार करते हैं, और ये भी सच है कि डीप लव के बिना तो आजकल के लड़के लड़कियों का प्यार कोई मायने ही नहीं रखता। यानी कि जैसे ही प्यार होता है, कुछ लोग तो प्यार की शुरुआत डीप लव करने के लिए ही करते हैं,
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ डीप लव करने लगते हैं या करने लगती हैं। लेकिन कुछ लड़के लड़कियां ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल डीप लव से ही मतलब होता है, प्यार प्यार से कोई लेना देना नहीं होता। 8 नंबर दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सभी लड़कियां अच्छे लड़कों को पसंद नहीं करती। कुछ लड़कियों को तो बिगड़ेल टाइप के लड़के ही ज्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि अच्छे लड़के उनकी नजरों में किसी काम के नहीं होते। यदि एक लड़की अच्छे लड़के से प्यार करने लगती है, जुड़ भी जाती है, दिल बिल भी दे चुकी होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसको छोड़ भी देती है, तो इनमें कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें प्यार प्यार से कोई लेना देना नहीं होता। बस उनका तो उतना ही मतलब होता है कि आओ सनम जाओ सनम, हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते।